हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल चैम्प। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बेबलेट का स्टेडियम बना के दिखाया था। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ ड्रेस सील जी बनाने वाला हूँ मैं आज अपनी इस वाली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी अब तक वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने स्टेडियम बनाया, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख पाएं। तो देख सकते हैं ड्रेस सील जी की लेयर मैंने काट के रखी है, तो आप भी जल्दी से इसको काट दीजिए। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख के ऐसे ही बना पाएं। तो सबसे पहले आपको ऐसे 6 पीसेस चाहिए। इसको कार्डबोर्ड पे लगा के रखिए ताकि ये थोड़ा स्ट्रांग रहे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पीसेस आपको ऐसे चाहिए। तो आपको सबसे पहले इन चारों को चिपकाना है, फिर इन दोनों को लास्ट में चिपकाना है। मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है, और ये काफ़ी भारी भी हो गया है क्योंकि 6 पीसेस लगाए हैं। तो देख सकते हैं लेयर कितनी अच्छी लग रही है। तो अब इसका ब्लेड बेस बनाते हैं, लेकिन ब्लेड बेस बनाने से पहले इसकी वेट डिस्क बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेट डिस्क बनाना। आप देख सकते हैं वेट डिस्क बनाने के लिए आपको इस तरीके की 3 पीसेस चाहिए होंगे वेट डिस्क के ही शेप में। तो इन तीनों को आपस में चिपका लेना है। मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी वेट डिस्क बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और ये मैंने इसकी लेयर के हिसाब से बनाई है, देख सकते हैं। तो अब हमारे ये पीसेस तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बनाते हैं हमारा परफॉर्मेंस टिप, नहीं ब्लेड बेस, क्योंकि परफॉर्मेंस टिप से पहले ब्लेड बेस बनाना है। तो ब्लेड बेस बनाने के लिए आपको इस तरीके के पीसेस चाहिए होंगे, देख सकते हैं आप। और एक टिप चाहिए होगी इस तरीके की। ये मैंने अपने पुराने पेन की टिप ली है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में चिपकाना है। मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इनको चिपका लिया। तो अब हमको इन दोनों को आपस में चिपकाना है। अभी आपको मैं चिपका के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इनको चिपका लिया है। तो देख सकते हैं अब हमको क्या करना है कि इस वाले पीस के ऊपर इस वाले पीस को कुछ इस तरीके से चिपका लेना है। तो अभी मैं अभी आपको स्टिक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चिपका लिया है। तो अब जो ये टिप है, हमको इस पे कुछ अच्छे से इस तरीके से अंदर चिपका देनी है। वो भी मैं अभी आपको चिपका के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको चिपका लिया है बहुत अच्छे से। तो अब ये रियल ड्रेस सील जी के ब्लेड बेस की तरह लग रहा है, और अब ये स्पिन भी कर सकता है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये स्पिन भी कर पा रहा है। तो अब हमारे तीनों पीस तैयार हैं। तो अभी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों पीसेस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये है हमारी ड्रेस सील जी की लेयर, वेट डिस्क एंड ब्लेड बेस। तो अब हमें क्या करना है कि लेयर के यहाँ पे नीचे इस तरीके से इसको चिपका देना है, और फिर इसको चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो ड्रेस सील है, ड्रेस सील जी, वो पूरा रेडी हो चुका है और स्पिन भी कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप। तो अब समय है इसके टेस्ट स्पिन का। तो ये रहा हमारा स्टेडियम। चलिए शुरू करते हैं इसका टेस्ट स्पिन और एक दो टेस्ट बैटल। तो आप देख सकते हैं, यह है हमारा लॉन्चर, और यह है ड्रेस सील, जो कि बहुत ही हैवी बना है, और ये अच्छी बात भी है, पीछे से भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए टेस्ट स्पिन करते हैं। 3 2 1 गो शॉट। देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पीस लगे हैं, इसलिए ये बहुत हैवी है और अच्छे से घूम रहा। तो चलिए बैटल कर लेते हैं। तो पहला बैटल ड्रोंजर जी के साथ होगा।
मेरे ख्याल से जो ड्रसील जी है वो ड्रोनजर से कई ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इसमें मैंने जो ये ब्लेड बेस और जो वेट डिस्क है वो मैंने बढ़िया वाले कार्डबोर्ड से बनाई है, और ये नॉर्मल कार्डबोर्ड से। तो चलिए शुरू करते हैं, 3 2 1 गो शूट, 3 2 1 गो शूट। ड्रसील जीत चुका है, इस बार ड्रसील को हम दूसरा वाले लॉन्चर से लॉन्च करेंगे और ड्रोन्जर को बढ़िया वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, 3 2 1 गो शॉट, 3 2 1 गो शॉट। तो इसमें ड्रोन्जर जीता पर ड्रसील ज्यादा अच्छे से स्पिन ही नहीं हुआ। तो अगला बैटल हम करेंगे ड्रैगून वर्सेस ड्रसील। तो लेफ्ट स्पिन लॉन्चर ड्रैगून के लिए और राइट स्पिन ड्रसील के लिए। सो 3 2 1 गो शॉट, 3 2 1 गो शूट। देख सकते हैं, तो ये शायद से ड्रॉ नहीं, ड्रसील जीत गया। एक और राउंड, ड्रैगन लेफ्ट स्पिन इसलिए एनर्जी ड्रेन कर लेता पर तब भी ड्रसील जीत गया। तो लास्ट बैटल एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर वर्सेस ड्रसील। तो शुरू करते हैं इस बैटल को भी, सबसे पहले ड्रसील। देख सकते हैं आप, काफी अच्छा बैटल चल रहा है और एल ड्रैगो काफी अच्छी टक्कर दे रहा था पर ड्रसील जीत गया है। लास्ट राउंड, उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। ड्रसील के साथ जब भी टक्कर हो रही है एल्ड्रैगो बहुत ही दूर तक जा रहा है, ड्रसील तो फेंक फेंक के मार रहा है एल्ड्रैगो को। ये तो स्टेमिना बैटल हो गया और स्टेमिना में ड्रसील जीत गया। सो बाय गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो बाय गाइस।